पाठक अब तक जारी नहीं किए लेटर। अरे भाई उनका लेटर जारी करें या नहीं जारी करें, जब जब नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहे के पाठक। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ये ब्रह्मवाक्य है। ब्रह्मवाक्य भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है। बात नहीं मान रहा है कैसे, बात नहीं मानिएगा कैसे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ये ब्रह्मवाक्य है। ब्रह्मवाक्य जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया मंतव्य महत्वपूर्ण होता है। पाठक अब तक जारी नहीं किए लेटर। अरे भाई उनका लेटर जारी करें या नहीं जारी करें, जब जब नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहे के पाठक। सर डीओ के तरफ से लेटर जारी कर दिया गया भोजपुर में, मैं बता रहा हूँ ना, भोजपुर में भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधायिका बड़ी होती है और कार्यपालिका को, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे अपर मुख्य सचिव हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अनुपालन करना होगा। आखिर नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानिएगा भाई। तब तो शिक्षक लोग कहाँ जाए, शिक्षक लोग अब 10 बजे जा रहे हैं, शिक्षक अभी 9:45 में नहीं। अरे हम 9 बजे जा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम उसके बीच से जीत के आते हैं ना। अब 9:45 में शिक्षक जा रहे हैं, अब अपवाद को संवाद मत बनाइए। नहीं नहीं, 9:05 का टाइमिंग दिया जाता है लेटर में और कहा जाता है। अरे वो एक जगह एक जिले का रिपोर्टिंग है, आप बता रहे हैं भोजपुर का, सभी जिले का, पूरे बिहार का ही है। अभी ये भी तो ऐसा बात है कि जैसे चरवाहा विद्यालय में राजनीतिक ज्ञान लिए हैं भाई, तो स्वाभाविक है कि विधायिका का जो प्रधान होगा वो महत्वपूर्ण होगा। बात नहीं मान रहा है कैसे, बात नहीं मानिएगा कैसे। लेटर निकालने में देर लेटर जारी करने में इतनी देर क्यों हो रही है? अपवाद को संवाद नहीं मानिए। ठीक है, अब एक जिले की घटना के आधार पर जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो ब्रह्म वाक्य है, कोई अपर मुख्य सचिव चाहे मुख्य सचिव हो, उनके उनके जो प्रशासकीय क्षमता है उसके बाहर है, अधिसीमा के बाहर है, कि मुख्यमंत्री जी का आदेश हर हालत में मानना होगा। कब मानेंगे? जो मैं यहाँ आरा वाला ही ना, बिल्कुल उसको संज्ञान में लेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे। नहीं नहीं अरे भाई, आरा में जो पत्र जारी हुआ और इसके आलोक में जो कार्रवाई हुई है, शिक्षक का जो वेतन कटा, दोनों पत्र में परिपत्र मेरे पास है, तो स्वाभाविक रूप से वह गलत है, तो जब गलत है उसका समाधान करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर कब जारी होगा? अरे चिंता मुक्त रहिए ना, चिंता मुक्त रहिए। जब मुख्यमंत्री जी सदन में बोल दिए तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। शिक्षक चिंतित है? कोई चिंतित नहीं है, लेटर जारी नहीं। शिक्षक चिंतित का